देखें इन जनरल यू एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन एम इक्वल टू 1 टू एन लैम्डा की पावर एम ए टू बी के एम एक्स वाई एफ ऑफ वाई इनटू डी वाई मतलब यू वन यू टू यू थ्री यू फोर ऑब्टेन करते हुए फाइनली वी गेट यू एन वो टर्म्स को सीरीज के फॉर्म में लिख दिया सम के फॉर्म में। अब यू एन ऑफ एक्स लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन ऑफ एक्स कन्वर्ज टू द सोल्यूशन यू ऑफ एक्स देन द अप्रोक्सीमेशन इज सेट टू बी कन्वर्जेंस। अगर ये रिजल्ट होल्ड करता हो मतलब कि जब आप इसको इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें तो ये सोल्यूशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेशन जो है ये कन्वर्ज कर रही है। इसमें जो कि एम एक्स वाई है दैट इज कॉल्ड एम इटरेटिव कर्नल एंड इज डिफाइंड एज के एम एक्स वाई इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी के वन एक्स टी के एम माइनस वन डी वाई इन टू डी डी या इसको आप पहले लिख दें के एम माइनस वन एक्स टी के वन थ्री वाई इंटू डी डी इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। और के वन जो है वो पहला कर्नल है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में अगर आप एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें तो यू एन ऑफ एक्स जो है ये यू ऑफ एक्स हो जाएगा और ये एन इन्फिनिटी तक आ जाएगा और ये सोल्यूशन आ जाएगा। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड न्यूमन सीरीज। इस सोल्यूशन को सीरीज सोल्यूशन भी कहा जाता है, न्यूमन सीरीज कहते हैं इसको। अच्छा अब इसमें ये है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, ये सोल्यूशन कन्वर्ज कब होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। हम अब इन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर अ जनरल टर्म ऑफ न्यूमन सीरीज, देखें इसकी बात कर रहे हैं ए टू बी के एम एक्स वाई एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई होल स्क्वायर। इसके जनरल टर्म को कंसीडर करें और इस पे कॉची शिवाज इनइक्वालिटी लगा दें तो अलग अलग हो जाएगी इंटीग्रल, इसके ऊपर अलग लग जाएगा, इसके ऊपर अलग लग जाएगा। तो नाउ लेट करें एफ ऑफ वाई मॉड स्क्वायर इंटू डी वाई को डी स्क्वायर कह दें और चूंकि इसमें एम की वेरिएशन हो रही है ना तो इनमें जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो आप ले लें, उसको आप सी एम स्क्वायर का नाम ले लें, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ दिस सेट। मतलब आप वन पुट करोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, टू पुट करोगे दूसरी, थ्री पुट करोगे तीसरी, तो इनमें जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो आपने लेना है, उसको हमने सी एम स्क्वायर कह दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज लेस आर इक्वल टू डी स्क्वायर सी एम स्क्वायर, डी स्क्वायर इसकी जगह पे आ जाएगा और सी एम स्क्वायर इसकी जगह। टू ऑब्टेन द फार्मूला फॉर सी एम स्क्वायर अप्लाई शिवाज इनइक्वालिटी टू इट, सी एम स्क्वायर का फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए शिवाज इनइक्वालिटी अप्लाई करने के एम एक्स वाई ये mth इटरेटिव कर्नल का स्क्वायर लिया, उस mth इटरेटिव का फार्मूला कर्नल का फार्मूला लिख दिया और उस पर कॉची शिवाज इनइक्वालिटी लगा दी, इंटीग्रेट करें। फिर इस तरह करें कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y आप इंटीग्रेट करें, लेफ्ट साइड भी इंटीग्रेट हो जाएगा राइट साइड भी। अब राइट साइड की ये टर्म इंटीग्रेट नहीं होगी क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y जो है ये कांस्टेंट है, तो dt a टू b इंटीग्रल ये चीज आ जाएगी। अब इसको आप b का नाम दे दें, b स्क्वायर का, ये सी एम स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू सी एम माइनस वन स्क्वायर बी स्क्वायर, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। रिपीटिंग द प्रोसीजर वी ऑब्टेंड, अब देखिए ये प्रोसीजर तो हमने के एम के लिए किया ना, सी एम स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू सी एम माइनस वन स्क्वायर बी स्क्वायर, एम के लिए किया ना ये। अब आप ये प्रोसीजर रिपीट कर दें, यानी मतलब ये फिर सी एम माइनस वन के लिए कर दें, फिर सी एम माइनस टू के लिए कर दें। जिस तरह यहाँ पे सी एम ये इनइक्वालिटी आपने सी एम के लिए डिराइव की ना, तो फिर इसी तरह यही इनइक्वालिटी जब आप सी एम माइनस वन के लिए कर लोगे, सी एम माइनस वन के लिए कर लोगे ना, तो देखें ये लेस आर इक्वल टू सी एम माइनस टू, ये यहाँ पे मैं चलो थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, दिस इज लेस यूजिंग दिस रिजल्ट, इसी रिजल्ट को यूज करते हुए मैं इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ। लेस आर इक्वल टू यहाँ पे सी एम माइनस वन है ना, तो ये सी एम माइनस टू हो जाएगा और ऊपर स्केयर आ जाएगा, और ये बी स्केयर है ना, तो ये बी स्केयर एक और बी स्केयर आ जाएगा, मतलब
बी स्केयर की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे बी स्केयर की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह फिर इसमें मजीद लगा दें तो ये सी एम माइनस 2 हो जाएगा, सी एम माइनस 2 का स्केयर, और ये बी स्केयर की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह ये प्रोसीड करते जाएं तो ये देखिए एम माइनस 1 या फिर एम माइनस 2 एक स्टेज पे आएगा कि सी 1 आ जाएगा, और यहाँ बी की पावर एम माइनस 1 हो जाएगी। इस अंदाज से ये अप्लाई किया है, तो इसको अप्लाई करके यूँ आपको प्रिंट करना रिपीट करने के बाद। तो बी क्या हो जाएगा, बी इम्प्लाइज दैट के एम एक्स वाई एफ ऑफ इंटू डी वाई स्केयर लेस आर इक्वल टू बी स्केयर सी वन स्केयर बी स्केयर की पावर एम माइनस 1। ये देखिए नीचे वो जैसे मैं बता रहा था वही काम इधर किया हुआ है। और अब इसको मल्टीप्लाई करें लैम्डा की पावर एम से, लैम्डा की पावर एम से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस शोज दैट, अब ये देखें यहाँ पे इस सीरीज की कन्वर्जेंस जो है इस सीरीज की कन्वर्जेंस इस टर्म पे कर रही है। तो इस टर्म को हमने एक्चुअल कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये बनी है, ये बन गई है। अब इसमें दिस शोज दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जनरल टर्म इन ह्यूमन सीरीज इज लेस देन आर इक्वल टू द जनरल टर्म, इस सीरीज से लेस है जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। और ये आपके पास जो सीरीज बन रही है, जो मैट्रिक सीरीज बन रही है विद कॉमन रेशियो बी इंटू लैम्डा, अब बी इंटू लैम्डा लेस देन 1 हो तो ये सीरीज कन, तो दिस इज द कन्वर्जेंस कंडीशन कि लैम्डा को बी इनवर्स से लेस होना चाहिए। और बी इनवर्स क्या है, वो ऊपर हमने जिसको बी कहा था वो है ये, यहाँ से बी इंट्रोड्यूस किया था ना, ये बी ये इससे लेस होना चाहिए। तो दिस इज द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर टू कन्वर्ज द न्यूमन सीरीज सॉल्यूशन। आगे है यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन की, ये जो सॉल्यूशन होगा ये यूनिक होगा। हम सपोज करते हैं सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, दो सॉल्यूशन है, एक को हमने यू अपर 1 और एक को यू अपर 2 कहा, तो डिफरेंस ले लें दोनों का, डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको फाई ऑफ एक्स कह दिया, यू 1 माइनस यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स यू 1 वाई माइनस यू 2 स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, इसको फाई ऑफ एक्स कह दिया, तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स वाई फाई ऑफ वाई, ये फाई ऑफ एक्स है तो ये फाई ऑफ वाई है ना सेम टर्म में, जस्ट वेरिएबल का फर्क है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर लेने, सिंप्लीफाई करें आगे, इसी तरह कोशिश इनइक्वालिटी वगैरह लगा दें, ये फाई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फाई ऑफ एक्स जब जीरो हो जाएगा तो यू वन यू टू की इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सॉल्यूशन यूनिक। एक मिनट इसको तो कंप्लीट करने दें। अच्छा, रिजॉल्वेंट कर्नल, इसी तरह एक लैम्डा बाहर ले लें इस सीरीज से और उस फॉर्म में लिख दें एफ ऑफ एक्स लैम्डा, और आगे जो जिस तरह ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन में लिखा था उसी तरह के फॉर्म में लिख दें, तो अंदर जो जी टर्म बचेगी दैट इज रिजॉल्वेंट कर्नल। तो इसमें ये हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल बन रहा है इस मेथड में, जब हमने नॉन होमोजीनियस सेकेंड काइंड फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन को बाय सक्सेसिव मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया है और उसका जो न्यूमन सीरीज सॉल्यूशन लिया है फ्रॉम देयर यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये आपका रिजॉल्वेंट कर्नल बन रहा है। बस यहाँ तक कि एरर भी इसमें आएगी क्योंकि एंड दिस इज द एरर टर्म मेन टर्म आफ्टर nth टर्म इस न्यूमन सीरीज आर लेफ्ट। तो क्योंकि देखें ये k1 k2 ये मूव कर रहा है ना, जब ये कन्वर्ज कर रहा होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली कन्वर्जेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली कन्वर्जेंस में एरर आएगी, तो एरर उसने यहाँ पे ये डिफाइन की है, बाकी किसने कहा काफ़ी है। चलिए जी काफ़ी है फिर,
इस मेथड को आप लोग गौर से पढ़ें और इसका जो डिस्कस है, कभी कभी ये पेपर में पूछ लेते हैं डिस्कस, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना ऐसे ही पूछ लेते हैं। आप पेपर देखें, हो सकता है किसी पेपर में आया हो। डिस्कस द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्व सेकंड टाइप फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन एंड कंडीशन फॉर इट्स कन्वर्जेंस एंड शो दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक। फिर आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। अब हमने ये प्रोसीजर तो कर लिया, जिस तरह हमने फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए डीजनरेट कर्नर वाला किया था, अब ये सारा हो गया। तो इसी तरह हमने अब क्वेश्चन जो है ना वो इस मेथड से करने हैं। इसका मतलब सीरीज सॉल्यूशन लेना है। देखें सॉल्यूशन इसका जो है वो ये है, ये सॉल्यूशन है। देखें ये सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने ये K1, K2, K3, K4 वगैरह कैलकुलेट करने हैं। सिर्फ K होगा क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ K होगा और बाकी ये K1, K2, K3, K4 हमने कैलकुलेट करने हैं और उन K1, K2, K3 को इधर पुट कर देना है, तो आपके पास वो क्वेश्चन का सलूशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम करेंगे। ये आगे एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल पहले से भी कुछ देख लें आप, बेहतर है। मेथड तो आप लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा लें, वीकेंड है, टाइम है आप लोगों के पास। एग्जाम्पल नंबर 2, इसी तरह एग्जाम्पल 3, 4, ये सारे क्वेश्चन जो है अब इस मेथड से होंगे। और आई थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नोट्स जो है वो इन क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। फिर वो वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन एंड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, वो भी मिलता जुलता ही है क्योंकि उन दोनों में इतना जो है वो फ़र्क नहीं है, सिर्फ लिमिट का फ़र्क है। तो बाकी देखें ये उसी तरह ही है, जस्ट लिमिट के पास है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो होप सो कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का कोर्स मेरी तरफ से एंड हो जाएगा और आप लोगों की तरफ से कब एंड होगा वो आप जानते हैं। जी बोलें सर जी, वीकेंड में तो हम वो करेंगे ना जो अभी तक आपने करवाया। कुछ भी ना करें, मैंने कौन से जबरदस्त